So this would be a series of university questions, okay? And this would be for my Hindi audience, okay? So sorry, English audience, I'll post another video for you guys, okay? So because I want to teach, you know, Hindi में लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आता है, इसीलिए मैं ये सीरीज़ बना रही हूँ. एंड दिस वुड बी लाइक टू द पॉइंट ओनली फॉर यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस. आपको क्या लिखना है वो सीरीज़ मैं बनाऊँगी. उसके अगर आपको मतलब ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए. और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ. Now the first, I'll be starting with endocrinology medicine, okay? The first is, you know, side effects of chronic steroid therapy. तो chronic steroid therapy में आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि cortisol के effects अगर आपको पता है अच्छे से तो आपको पता चलेगा कि जब आप corticosteroid बाहर से देंगे तो उस patient को क्या side effects आएंगे, okay? So let's start. The first is truncal obesity, moon faces and buffalo hump. यानी इनकी जो obesity होती है वो abdomen और क्या बोलते हैं चेस्ट के अराउंड ओबेसिटी इनकी रहती है. फिर आप उनके फेसेस देंगे तो बहुत बड़े फेस होते हैं, मून फेस जैसा होता है. एंड देयर वुड बी बफेलो हम बिकॉज इसमें प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है, इसकी वजह से इनके लिम्स जो होते हैं वो पतले होते हैं. देयर वुड बी फ्रेजाइल स्किन एंड ईजी ब्रूजिंग. कोई भी छोटी सी चोट लगी फिर भी ब्रूज हो जाएंगे ये लोग. देयर वुड बी हर्सिटिज्म. हर्सिटिज्म यानी फेस पे बाल उगना एक्सेट्रा. फिर टेलेंजाइटिस या मतलब एक स्पाइडर एंजियोमा जैसा होता है, उसका फोटो देख लेना तो याद रह जाएगा आपको. नेक्स्ट इज हाइपरग्लाइसीमिया एंड डायबिटीज़. तो कॉर्टिसोल हमको अच्छे से पता है, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन होता है. स्ट्रेस हार्मोन यानी स्ट्रेस में रिलीज होता है. स्ट्रेस में आपको क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए. तो जब आप क्रॉनिकली स्टेरॉइड देते हैं तो आपका क्रॉनिकली पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई रहता है और वो डायबिटीज़ भी प्रेसिपिटेट कर सकता है. नेक्स्ट इज मस्कुलर वीकनेस एंड या द मस्कुलर वीकनेस इज प्रॉक्सिमल. प्रॉक्सिमल यानी कि जो हमारे ट्रंक से नज़दीक वाले मसल, जैसे आपके थाई मसल हो गए, और फिर अगर आप शोल्डर की बात कर रहे हो तो आपको बाइसेप्स ट्राइसेप्स हो गए, वो प्रॉक्सिमल मसल की कैटेगरी में आते हैं. नाउ मायोपैथी वॉरेंट्स विदड्रॉल ऑफ स्टेरॉइड्स. अगर मायोपैथी हुआ है तो स्टेरॉइड को आपको बंद करना होगा. गिव प्रोटीन एंड पोटेशियम डाइट फॉर लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड. अगर कोई पेशेंट लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड पे है तो आपको उसको प्रोटीन और पोटेशियम देना है. नाउ ये भी एक चीज़ है कि कॉर्टिसोल जो होता है स्ट्रेस हार्मोन, वो क्या करते हैं प्रोटीन को तोड़ के, जब आपके प्रोटीन के वो अमीनो एसिड वो सब निकलता है तो अमीनो एसिड लीवर में जाता है और उसको नया ग्लूकोज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. तो आप इस तरीके से लॉजिकली याद रखेंगे तो सब याद रह जाएगा. नेक्स्ट इज ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन. तो लेटेंट टीबी में फ्लेयर ऑफ हाँ, तो अगर किसी पेशेंट ने जो हम लोग स्टेरॉइड दे रहे हैं उसके अंदर लेटेंट टीबी है, तो क्योंकि आपने इम्यूनिटी सप्रेस कर दी है बाय गिविंग स्टेरॉइड्स, और कभी कभी हम उस इंडिकेशन की वजह से भी स्टेरॉइड्स देते हैं ताकि हम यू नो जैसे सार्कोइडोसिस हो गया, ऑटो इम्यून कंडीशंस के लिए अगर हमने दिया है तो इम्यूनिटी वैसे भी स्टेरॉइड जो है वो इम्यूनिटी सप्रेसेंट होता है. तो इम्यूनिटी सप्रेस करने की वजह से क्या होता है कि जो आपके बॉडी में जो लेटेंट यानी कि ऐसे इन्फेक्शंस जो एक्टिव नहीं होते हैं पर होते हैं प्रेजेंट, तो जब भी मौका मिलता है तो ये लेटेंट इन्फेक्शंस जो है वो बढ़ के प्रॉपर डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं. अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जैसे फंगल इन्फेक्शन है वो भी हो सकता है. Now let's move on to second. Okay. So अभी तक के स्टेरॉइड हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, अभी क्रॉनिक स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स को. आपने क्रॉनिक स्टेरॉइड थेरेपी दिया तो साइड इफेक्ट्स क्या है. नाउ मतलब उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए, सो इफ अ पेशेंट इज ऑन कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी एंड डेवलप्स इन्फेक्शन, द स्टेरॉइड शुड नॉट बी डिसकंटिन्यूड. द डोज मे हैव टू बी इंक्रीज टू मीट स्ट्रेस. तो क्या होता है कि जब आपका स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती है तो कॉर्टिसोल का जो यू नो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाता है. अगर आप नॉर्मल इंसान हो तो वो सब बॉडी खुद यू नो एडजस्ट कर लेता है, बट अगर आप यू नो स्टेरॉइड थेरेपी पे हो तो आपका जो वो एक्सेस होता है वो ऑलरेडी सप्रेस्ड होता है. तो जब इन्फेक्शन आएगा और कॉर्टिसोल की ज़रूरत पड़ेगी पर आपने डोज इंक्रीज नहीं किया कॉर्टिसोल का, तो क्या होगा कि जो हमारा क्या होगा कि
पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, बिकॉज कॉर्टिसोल की रिक्वायरमेंट है पर आपने कॉर्टिसोल का डोज नहीं बढ़ाया है, तो पेशेंट को हाइपोटेंशन हो जाएगा और वो सब फीचर्स आएंगे. तो व्हेनेवर देयर इज़ इन्फेक्शन और कोई पेशेंट अगर यू नो कॉर्टिसोल कंटिन्यूसली कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहा है, तो इन्फेक्शन के टाइम पे या स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के टाइम पे आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड का डोज इंक्रीज करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज डिलेड वुंड हीलिंग. तो जो कॉर्टिसोल है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, वो वुंड हीलिंग को कम करते हैं और इसीलिए जो वुंड हीलिंग या फ्रैक्चर हीलिंग ये सब चीज़ें हैं वो धीमी हो जाती है और प्रॉपर हो भी नहीं पाती है. तो ऐसा हो सकता है कि आपका क्रॉनिकली जो कोई स्कार है वो हील ही ना हो, ये भी हो सकता है. नेक्स्ट इज पेप्टिक अल्सरेशन. तो पेप्टिक अल्सरेशन रिस्क इज डबल्ड. ब्लीडिंग एंड साइलेंट परफोरेशन मे ऑल्सो अकर. नेक्स्ट इज ऑस्टियोपोरोसिस. तो ऑस्टियोपोरोसिस इज बेसिकली ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड. और याद रखना है कि रेडियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज एन इंडिकेशन फॉर विद्रॉवल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. नेक्स्ट इज पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट. तो कैटरैक्ट भी कर सकता है एंड ग्लॉकोमा भी कर सकता है. तो आई के अंदर दो साइड इफेक्ट्स है, सब कैप्सुलर कैटरैक्ट एंड ग्लॉकोमा. बच्चों में अगर हमने दिया तो अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो कभी कभी स्टेरॉइड देना पड़ता है, पर अगर हम क्रॉनिकली देते हैं तो ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट. ओके, तो 4 मार्क का क्वेश्चन है तो मैंने ज़्यादा पॉइंट्स नहीं इंक्लूड किए हैं, पर अगर आपका इससे बड़ा क्वेश्चन है तो आपको आपको हर एक पॉइंट को थोड़ा ज़्यादा इलाबोरेट करके लिखना है. ठीक है, बाकी पॉइंट्स तो यही रहेंगे. फीटल एबनॉर्मलिटीज. प्रोलॉन्ग यूज ऑफ स्टेरॉइड्स इन प्रेगनेंसी इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन. यानी जो बच्चा अंदर डेवलप हो रहा है वो धीरे धीरे ग्रो करेगा, मतलब जो नॉर्मल ग्रोथ रेट होना चाहिए वो नहीं होगा. जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस. तो मदर में डायबिटीज होने की वजह से बच्चे को जो यू नो बच्चे को साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे बिग बेबी हो सकता है, ये सब हो सकता है. PIH यानी हाइपरटेंशन हो सकता है, प्री एक्लेम्सिया हो सकता है. ठीक है, तो प्रेगनेंसी में भी ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड काफ़ी हार्मफुल है. नेक्स्ट इज साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस. तो माइल्ड यूफोरिया मिनोरिया माइल्ड यूफोरिया मेनिया और साइकोसिस के नाकर लॉन्ग टर्म में डिप्रेसिव इलनेस करता है. तो अगर शॉर्ट टर्म दिया तो मेनिया या साइकोसिस करता है और लॉन्ग टर्म में दिया तो डिप्रेशन करता है. लास्ट इज सप्रेशन ऑफ हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सेस. तो सबसे ऊपर आता है हाइपोथैलेमस, उसके बाद आता है पिट्यूटरी और लास्ट हमारा आता है एड्रिनल ग्लैंड जिसमें से निकलता है कॉर्टिसोल. क्योंकि आप बाहर से कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं तो बॉडी को जो है यहाँ पे आपने बाहर से कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिए तो इधर नेगेटिव फीडबैक जाता है और ये जो एक्सेस जो है वो पूरा सप्रेस हो जाता है. यही बात कह रही थी मैं कि अगर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हैं तो आपको सडन स्टॉप नहीं करना है. सडन स्टॉपेज वुड कॉज फीवर, एनोरेक्सिया, हाइपोटेंशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. क्योंकि आपका बॉडी इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाएगा और अगर आपने सडनली बंद कर दिया तो क्या होगा कि ऑल दिस प्रॉब्लम्स वुड हैपन. तो एक बार हम लोग रिवाइज कर देते हैं सारे पॉइंट्स की व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड. अगर क्वेश्चन आए तो क्या क्या लिखना है. फर्स्ट इज ट्रंकल ओबेसिटी. एक्सटर्नल फीचर्स में क्या क्या देखेगा वो लिख देना है. ट्रंकल ओबेसिटी, मून फेसेस, फ्रजाइल स्किन, पर्पल स्ट्राया, टिलेंजिक्टेसिया, ये सब. नेक्स्ट हाइपरग्लाइसीमिया एंड डायबिटीज. नेक्स्ट इज मस्कुलर वीकनेस, दैट इज प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस. नेक्स्ट इज इंक्रीज flaring up of infections. Next is delayed wound healing and osteoporosis. Then there is peptic ulceration. In eye, it can cause posterior subcapsular cataract and glaucoma. In children, it can cause growth retardation. During pregnancy, it can cause hypertension and preeclampsia. Psychiatric disturbance like euphoria and mania can also occur. And last side effect is suppression of hypothalamo pituitary.